न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में लगे पूर्ण कर्फ्यू का असर रुद्रपुर में भी रहा। दुकानदारों ने बाजार बंद रखा और लोग भी अपने अपने घरों में रहे। स्थानीय प्रशासन लोगों से अपने घरों में रहने की अपील के साथ साथ सड़कों पर भी नजर बनाए हुए था। मेडिकल संबंधित कार्य को लेकर लोगों को छूट दी गई थी। जिला प्रशासन के अलावा नगर निगम की टीम अलग अलग इलाके में सैनिटाइज करने का काम करती हुई भी नजर आई। लॉकडाउन में इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। लोग खुद भी काफी हद तक इसका पालन कर रहे हैं। कुछ वही लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी मेडिकल इमरजेंसी है या जिनके टिकट ऑलरेडी बुक हैं, वही जाते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसका कोरोना गाइडलाइन जो भी ऊपर से आ रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या स्थानीय प्रशासन की, उसका पूर्णतः पालन करें। यदि इसके बावजूद भी लापरवाही पाई जाती है तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज के कोटद्वार डिपो की बस में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बस को राजकीय बेस चिकित्सालय में लाया गया जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। परिचालक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह 5 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस कोटद्वार से पौड़ी जा रही थी जिसमें 9 सवारियां सवार थी। बस जैसे ही बदहाली खाल के निकट पहुंची बस के अंदर एक धमाका सुनाई दिया जिसके बाद परिचालक द्वारा पीछे देखा तो एक युवक फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए परिचालक द्वारा बस को वापस मोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा ले जाया गया जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेजा गया। राजकीय बेस चिकित्सालय के डॉक्टर पंकज नेगी द्वारा बस में जाकर देखा तो युवक की मृत्यु हो चुकी थी जिसकी सूचना अस्पताल द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त 35 वर्षीय शिव सिंह रावत पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम कोटा पट्टी चोपड़ा कोट पौड़ी गढ़वाल के रूप में की है। पुलिस द्वारा घटना की जानकारी युवक के परिजनों को दे दी गई है। ये शिव सिंह, इनके पिता का नाम वीर सिंह, ये पितृसैंण थैलीसैंण के पास में गाँव है, वहाँ के थे। चंडीगढ़ से आए थे और अपने गाँव जा रहे थे रोडवेज की बस से। सुबह 6 बजे के लगभग हादसा हुआ तो ये आशंका जताई जा रही है कि संभवतः या तो इनका सर बाहर होने के कारण किसी और वाहन से टकराए या किसी टहनी से या बस ज़्यादा अंदर चली गई किसी चीज़ से टकराए जिससे कि शायद इनकी मौत हो गई। इस बात की जांच की जा रही है कि हादसा हुआ कैसे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उत्तराखंड में रविवार को कोविड कर्फ्यू लागू करने के बाद हरिद्वार में आवश्यक सामान वाली दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़कों पर लोगों की कमी ही आवाजाही देखने को मिली जिस पर रविवार कर्फ्यू का आमजन के लिए पालन कराए जाने हेतु मुख्य चौक सहित थाने के सामने जगह जगह पुलिस ने बैरियर लगाकर अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे 2-पहिया व 4-पहिया वाहन सवारों को वापस घर भेज दिया। बाजारों में भी सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस दौरान सब्जी दूध मेडिकल जैसी आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया। पुलिस ने ऐसे लोग जो अपने प्राइवेट संस्थानों फैक्ट्रियों में ड्यूटी के लिए जा रहे थे उनको कार्ड देकर जाने दिया और अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, अस्पताल जा रहे हैं या दवा लेने जा रहे हैं उनको भी जाने दिया गया, उनको रोका नहीं गया। इस वक्त हम पहुंचे हैं हरिद्वार के भाद्राबाद। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी का एक बार फिर आगमन हिंदुस्तान भारत के अंदर हो चुका है जिसके चलते राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा आज रविवार के दिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। क्या है इस लॉकडाउन का जो क्षेत्रीय निरीक्षण है वो हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर, लॉकडाउन राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है तो लॉकडाउन है तो क्या लग रहा है आपको कि लॉकडाउन लगना चाहिए था, क्या है लॉकडाउन? नमस्कार, मैं एकदम बादाबाद से बोल रहा हूँ। सर, मुझे डर लग रहा है पिछले साल की तरह भी इस तरह लॉकडाउन न लग जाए। आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है, बहुत मजबूर है, मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो सर, कहाँ से आप लोग आए और कहाँ जा रहे हैं आप? आपको बताया कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस लॉकडाउन को क्या समझ रहे हैं आप? हम आने वाले में बहुत दिक्कत समझ रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये लॉकडाउन सरकार का लगाया जाना चाहिए था? वो तो देख सरकार को पता होगा उसका क्या करना क्या नहीं, सरकार के काम में हम क्या दखलंदाजी दे सकें, लेकिन हमें दिक्कत हो रही। तो जो यहाँ यात्री है उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लॉकडाउन का जो है लोग पालन करना भी चाह रहे हैं लेकिन जो आर्थिक स्थिति है लोगों को झकोकर रख दिया है, तोड़ दिया है लोगों को, तो लोग इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भाद्रवाद क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर खोले गए हैं, बाकी अन्य जो दुकानें हैं वो सभी लगभग बंद हैं और लोग ना चाहते हुए भी एक जिम्मेदारी की तरह इस लॉकडाउन को आजमा रहे हैं और लॉकडाउन को अपना रहे हैं। मैं इंतज़ार रजा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। इसके मद्देनजर तीरथ सिंह रावत सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नई एसओपी के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक प्रभाव को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। देहरादून में शनिवार रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सरकार का यह आदेश आज से ही प्रभावी कर दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रमोला ने। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको लेकर प्रदेश सरकार ने अब एक नई एसओपी जारी करी है, जिसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि इतवार को पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन रहेगा। और आज इतवार के दिन हम आपको दिखा सकते हैं राजधानी देहरादून का नज़ारा, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद है, जो सभी शॉप्स हैं वो यहाँ पर बंद होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ अगर बात करी जाए तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो सभी जो शॉप्स हैं वो यहाँ पे बंद हैं। आवश्यक सेवाओं की बात करी जाए तो मेडिकल की दुकानें इसमें हैं, गैस आपूर्ति की बात है, पेट्रोल पंप है, वो यहाँ पे खुले रहेंगे। अन्यथा अगर बात करी जाए तो पूरा जो मार्केट है वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, इस कड़ी को जिस तरीके से तोड़ना है तो प्रदेश सरकार लगातार यहाँ पर कार्यबद्ध है। अपने यहाँ पर नई एसओपी भी जारी करी है, लोगों से अपील भी यहाँ पर करी है, मास्क ज़रूर पहने, 2 गज की दूरी बना के लेकिन जिस तरीके से हालात यहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर अगर बात करी जाए तो देहरादून को सिर्फ शनिवार और इतवार यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। अन्यथा अगर बात करी जाए तो सब जिलों में जो है वो इतवार को लॉकडाउन रहेगा। और इतवार को आज जो नज़ारा है वो आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे बंद है। अब इसमें देखने वाली बात होगी इस लॉकडाउन से कि आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़े क्या थमेंगे। देहरादून से आशीष रमोला, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक कर्फ्यू का ऋषिकेश में खासा असर देखने को मिला। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं, शहरवासी भी घरों के अंदर कैद रहे। आकस्मिक सेवाओं के लिए घर से निकलने पर शहरवासी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भी दिखाई दिए। नियमों का पालन कराने के लिए शहर के चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद रही। इस दौरान लोगों को पुलिस ने जागरूक करने का प्रयास भी किया। हालांकि यमकेश्वर जाने वाले यात्री वाहन नहीं मिलने से खासा परेशान दिखाई दिया। गाड़ियाँ नहीं, कई सवारियाँ में इतनी खड़ी हैं, बताओ अब क्या करें, कहाँ में जाएं? यहाँ तो रात को होटल में नहीं मिलेगा कहीं, कुछ ना खाना ना पीना, चाय बस सवेरे से बैठे हुए यहाँ। अब क्या पैदल जाएंगे अपनी गाड़ी? अब देखो तो पैदल तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही, गाड़ी तो कोई है नहीं यहाँ। जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, क्यों ले जा रहे? अरे 4 सीट लेके जा रहे हैं, दुनिया भर का पैसा इतने, तो मतलब मैं मतलब 4 बंदे लाऊंगा इसमें कितनी पैसा नहीं। सर हम तो 4-5 सवारी ले जा रहे हैं बस। पहले कितने ले जाए जाते हो? पहले किराया कितना था आप, कितना है? पहले हम 9 सवारी सीट टू सीट, मतलब 9। अब किराया ये है कि थोड़ा थोड़ा किराया बढ़ा दिया हमने, अब तेल भी महंगा और 82 रुपये लीटर हो गया सर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।